क्षमा करें पिताश्री, क्षमा करें माताश्री, हमारी दुष्टता क्षमा करने लायक तो नहीं है। पहले तो हम क्या करते, हम विवश थे, हम भूखा नहीं रह सकते थे। परंतु आपने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, यह अति निंदनीय है। आपको विप्रवर से क्षमा प्रार्थना करनी होगी, तभी आपका अपराध क्षम्य होगा। क्षमा करें विप्रवर। मुझे ज्ञात ना था आप भूखा होने के कारण ऐसा कर रहे हो, अन्यथा मैं कदापि कुपित ना होता। मैं आपसे प्रसन्न हूँ पुत्र, आप तो देव पुत्र हो, आप अनजाने में भी अपराध नहीं कर सकते हो। विप्रवर, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आइए मात्री, भोजन लगाइए। मान गए भ्राता, आप तो अद्भुत हो। भोजन हम बना लेते हैं, आप विश्राम कर लीजिए। विश्राम आप कीजिए, सारा कार्य आप ही तो करती है मात्री। ये पांचों पुत्र कितना परेशान करते हैं, परंतु इन्हें आप ही तो संभालती हो। इनके वस्त्र स्वच्छ करना, इनकी देखभाल करना, वन से लकड़ियां लेकर आना, दिन भर कार्य में लगी रहती, और हम केवल महाराज पांडु का भोजन तैयार करते हैं और जल लेकर आते। अतः विश्राम आप कीजिए। माते, पिताश्री के संग हम आ गए। लीजिए, ये भी आ गए आपके प्रिय नटखट बालक। संभालिए इन्हें, क्योंकि इन्हें संभालना हमारे वश की बात तो है नहीं। वैसे माद्री, कैसे कर लेती हैं आप ये सब? क्या दीदी, आप भी बस यूं ही प्रशंसा कर रही हैं हमारी। अच्छा, यूं ही कर रहे हैं। माते, शीघ्र आइए। हाँ हाँ आते हैं, जाइए। जी दीदी। किन विचारों में मग्न है आप? ऋषिवर, क्या आपने देखा महाराज पांडु की दोनों पत्नियों में कितना प्रेम? देवी कुंती देवी माद्री को अपनी छोटी बहन मानती है और देवी माद्री देवी कुंती से अत्यंत प्रेम करती है। जी मुनिवर, भाग्यवान है महाराज पांडु जो उनको ऐसी पत्नियां मिली, और पत्नियां नहीं उनकी संतानें भी दिव्य हैं। यदि ऐसा कुटुंब किसी को मिल जाए तो वो 100 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। किंतु स्त्रियां, स्त्रियां स्त्रियां होती हैं मुनिवर, वो अपना महत्वपूर्ण गुण यानी द्वेष कभी नहीं छोड़ सकती। हो ना हो, देवी कुंती व देवी माद्री के हृदय में कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वेष तो होगा ही। नहीं नहीं मुनिवर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो स्त्रियां नहीं देवी है। किंतु द्वेष सब में होता है मुनिवर। सोचिए, यदि द्वेष को ईर्ष्या में बदल दिया जाए तो प्रेम में ईर्ष्या क्या कार्य करेगी? मैं समझा नहीं। अर्थात क्या बात है मुनिवर, यदि ऐसा हो जाए ना तो आनंद ही आनंद, परम आनंद। तो चलिए प्रयत्न करते हैं। हाँ।
चलिए। ऋषिवर, एक बार आप पुनः विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो हम किसी विपत्ति में पड़ जाएं। पुनः विचार वो करते हैं मुनिवर जिन्हें स्वयं पर शंका होती है। आपको पता है इस जीवन में कुछ आनंद दूसरों के साथ लीला करके भी प्राप्त किए जाते हैं। आप केवल लीला कीजिए और आनंद लीजिए। परंतु ये कार्य अनुचित है ऋषिवर, अतः मेरे अंतरात्मा भी मुझे ऐसा करने से रोक रही है। न जाने भीतर ही भीतर कौन सा भय सता रहा है। देख लो तपन मुनि, कहीं ऐसा ना हो कि ये कार्य करने के पश्चात हमें पश्चाताप करना पड़ जाए। अभी आनंद के बीच पश्चाताप कहाँ से आ गया मुनिवर? आप चलिए, इस समय कुंती देवी नदी के किनारे जल लेने पहुंच चुकी होंगी, हम उनसे वहीं भेंट कर लेते हैं। किंतु आपको मेरा तन मन से साथ देना होगा, तब आप उस आनंद का आभास उठा सकेंगे। कैसा आनंद? ओ, उस आनंद की अनुभूति के बाद आपके शरीर के रोम रोम में आनंद रस भर जाएगा मुनिवर। और फिर आपने तो कहा था कि वो दोनों देवियां हैं। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा था। यदि वो दोनों देवियां हैं तो हमारे किए गए किसी भी कार्य से उनके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, और यदि विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो साधारण मनुष्य हैं, और साधारण मनुष्य के साथ मुनिवर ये रोना धोना सुख दुख लगे ही रहते हैं। आप चिंता न कीजिए, लीला कीजिए और आनंद लीजिए। चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए। जय श्री हरि कुंती देवी। जय श्री हरि ऋषिवर। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। धन्यवाद। हम तो यहाँ से जा रहे थे, आपको देखा तो सोचा भेंट कर लें। आपका बहुत बहुत आभार ऋषिवर। ओह देवी कुंती, कितनी भोली हैं आप और उदार भी। किंतु हर कोई आपके समान नहीं होता। दुनिया बड़ी चालाक है देवी कुंती, और आप ठहरी सीधी सादी सच्चाई की एक देवी तुल्य। आप जैसे मनुष्यों से लोग मनमाना व्यवहार कर जाते हैं और उन्हें भान तक नहीं होने देते कि वो कर क्या रहे हैं। हमें तो देखकर बड़ा दुख होता है देवी। ये सब आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऋषिवर, अब आप ही कुछ समझाइए इन्हें। मैं ऋषिवर? ऋषिवर मैं क्या बताऊं देवी कुंती को। आप घबराइए नहीं, जो भी सच्चाई है आज बता ही दीजिए। सच्चाई? कैसी सच्चाई ऋषिवर, हमें बताइए। हाँ हाँ देवी, सत्य है, सारी लड़ाई स्वार्थ की है देवी। और देवी कुंती ठहरी निस्वार्थ, परंतु ये जो देवी मादरी है ना, वो बहुत स्वार्थी है। ये मेरे मुख से क्या निकल गया, किंतु जो भी निकला है ना देवी, वो पूर्ण सत्य है। और आप हर बात से अनजान है। कितनी भोली हैं आप जैसी देवी कहां मिलेगी। और देवी माद्री को पुत्र प्राप्ति का मंत्र आपने ही तो दिया था, आज वो मां बनी है तो केवल आपके कारण। और वो आपके बच्चों से द्वेष रखती है, उन्हें हे दृष्टि से देखती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर,
कृपया ऐसा मत कहिए। हम सत्य कह रहे हैं देवी कुंती। देवी माद्री सोचती हैं कि आपके पुत्र उनके पुत्रों से अधिक बलशाली हैं, अधिक बलवान हैं, और उनके पुत्रों को आपके पुत्रों की जीवन भर सेवा करनी पड़ेगी। यही उनके द्वेष का कारण है। कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि झूठन खिलाई जाती है आपके बच्चों को। कौन झूठन खिला रहा है मेरे बच्चों को? देवी कुंती और कौन? माताश्री, हम बस जा ही रहे थे भोजन ग्रहण करने। अब तक युधिष्ठिर, अर्जुन और भीमराता ने भोजन ग्रहण कर लिया होगा। हम उनके झूठे पात्रों से ही भोजन करते हैं। भीम के समक्ष कोई दुष्ट आ सकता नहीं। सहस्र गज बल बराबर बच के जा सकता नहीं।